प्रश्न दो, नीचे दिए गए प्रत्येक अनुपात को सरलतम रूप में लिखें। प्रश्न दो का पहला, 1/4 अनुपात 1/6, तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो 1/4 अनुपात 1/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4/1/6, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अनुपात है तो अनुपात में है, तो इसको बटा में हम लिख सकते हैं। 1/4 अनुपात 1/6 है, तो इसको लिख लेंगे 1/4/1/6। तो 1/4/1/6 अब हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 × 6/4 × 1, सबसे ऊपर में जो है और सबसे नीचे में जो है वो दोनों गुना हो जाता है, तो 1 और 6 गुना हो जाएगा, और बीच में जो है वह गुना हो जाता है, तो 4 × 1 हो जाएगा। तो 1 × 6/4 × 1 इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे गुना हो जाता है और बीच वाला गुना हो जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी आ गया 3/2। अब हम इसको अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 3/2, तो इसका सरलतम रूप हो गया 3/2। दूसरा दूसरा है 3/1/2 अनुपात 2/1/4, तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 3 × 2 = 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी 7/2 हो जाएगा पूर्णांक तोड़ने पे। 3/1/2 हो जाएगा 7/2, और 2/1/4 हो जाएगा 4 × 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी 9/4 हो जाएगा। तो 3/1/2, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और 2/1/4 हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पे क्या है, अनुपात में है, तो 7/2 अनुपात 9/4 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 7/2/9/4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अनुपात में है तो बटा में लिख लेंगे, 7/2 अनुपात है तो अनुपात हटा करके बटा लिख लेंगे यहाँ पे, यानी 7/2/9/4 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना होता है, फिर बीच वाला गुना होता है। तो देखिए 7 और 4 को गुना कर देंगे, फिर बीच में कौन है, 2 और 9 है, तो 7 × 4/2 × 9, 2 × 2 = 4 कट जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया 14/9। 14/9 को हम लिख सकते हैं 14/9, तो इसका सरलतम रूप हो गया 14/9। तीसरा प्रश्न है 2/2/3 अनुपात 1/1/4, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 = 6, 6 × 2 = 8, 8/3 अनुपात 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, 5/4, तो 2/2/3, तो पूर्णांक तोड़ने पे हो गया 8/3 अनुपात 5/4। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 8/3/5/4, देखिए अनुपात में है, 8/3 अनुपात 5/4 है, तो 8/3 बटा अनुपात हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बटा आ जाएगा, तो 8/3/5/4 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे 8 × 4/3 × 5, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 8 × 4 गुना हो जाएगा,
और बीच वाला जो है यानी 3 गुना 5, तो 8 गुना 4 बटा 3 गुना 5, तो इसका उत्तर आ गया 8 चौक 32 बटा 5 दिया 15। देखिए 8 चौक 32 और 5 दिया 15, तो इसको अनुपात में लिख लेंगे तो हो जाएगा 32:15। सरलतम रूप इसका क्या होगा, 32:15। चौथा 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/10। तो यहां पे 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/10 है, तो इसका सरलतम रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम 4, 8, 10 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 4, 8 और 10 का, 4, 8 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4, 8 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 40। अब देखिए 1/4 बराबर हम लिखेंगे 1/4 गुना, अब लघुत्तम 40 निकाले हैं ये हर का, देखिए यहाँ पे हर लिखेंगे, तो 4, 8 और 10 क्या है, हर है यहाँ पे, तो हर 4, 8 और 10 का लघुत्तम क्या होगा, 40 होगा। तो अब यहाँ पे हर को 40 बनाएंगे, तो 4 को 40 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नीचे 40 आ गया हर। अब जब 10 से नीचे गुना किए हैं तो 10 से ऊपर भी गुना करेंगे, तो 10 गुना 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/40 हो गया, 1/4 हो गया 10/40, 1/4 कितना हो गया 10/40, कॉमा उसी तरह 1/8, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/8 गुना। अब देखिए हर यहाँ पे 8 क्या है, हर है, तो हर का लघुत्तम कितना है, तीनों हर का 40, तो 40 हमको बनाना है, तो 8 को 40 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा, 8 × 5 = 40 होगा, देखिए यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 5 से गुना किए हर में, तो अंश में भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 × 1 = 5 होगा, तो 1/8 को हम कह सकते हैं 5/40, देखिए 25×8 = 40, तो 1/8 आ जाएगा, 10 × 4 = 40, तो यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 को हम 10/40 कह सकते हैं, और 1/8 किसके बराबर हो गया, 5/40 के बराबर, कॉमा अब 1/10 है, तो 1/10, तो हर को 40 करना है, तो 10 में 4 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 हो गया, तो जब हर में 4 गुना किए हैं तो अंश में भी 4 गुना करेंगे, तो 4/40 हो गया। तो कितना आ गया, देखिए 10/40, 5/40 और 4/40, 1/4 हो गया 10/40, 1/8 हो गया 5/40 और 1/10 हो गया 4/40, तो हर बराबर है, देखिए 40 40 40, तीनों का हर बराबर हो गया है, तो जो ऊपर है वही सरलतम रूप हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/10 का सरलतम रूप, सरलतम रूप हो जाएगा 10:5:4। तो देखिए तीनों का हर क्या है, 40 है, तो जो ऊपर में है उसी को लिख देंगे, देखिए यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो तीनों का हर 40 हो गया, तो जो अंश में है उसी को अनुपात के रूप में लिख देंगे, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा, तो 10:5:4 हो जाएगा इसका सरलतम रूप।
देखिए हाँ, अंश में जो है उसको लिख देंगे तो 10:5:4, क्योंकि तीनों का हर बराबर कर लिए हैं, तो 1/4 / 1/8 / 1/10 का सरलतम रूप हो जाएगा 10:5:4। पांचवां प्रश्न, 2:3:3:2/5, तो इसका सरलतम रूप लिखना है। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 3 × 2 = 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/3:5 × 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो 17/5 हो गया। तो 7/3:17/5, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं पूर्णांक तोड़ करके। अब हम इसको लिख सकते हैं 7/3/17/5, इस तरह इसको लिख सकते हैं, अनुपात में है तो बटा में लिख सकते हैं, 7/3:17/5 है तो 7/3/17/5 इस तरह लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 7×5/3×17। देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 7 और 5 गुना हो जाएगा, और बीच वाला गुना होता है तो 3×17, यानी 7×5/3×17, तो हो जाएगा 7/35/17/51, यानी 35:51। तो इसका उत्तर होगा 35:51, इसका सरलतम रूप।